हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जाब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में रहेगा जल प्रतिबिंब रीजनिंग क्वेश्चन, जो कि सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल प्रतिबिंब में आप जल में देखेंगे तो ऊपर का चित्र आपको नीचे दिखाई देगा, नीचे का चित्र ऊपर दिखाई देगा, तो उल्टा यहाँ पर रहता है। तो बेसिक नॉलेज से आपको हम सिखाएंगे कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। किसी वस्तु वर्ण तथा संख्या का जल में प्रकाश के परावर्तन द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसे जल प्रतिबिंब कहते हैं। जल प्रतिबिंब में वस्तु वर्ण तथा संख्या का ऊपर भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों बी सी डी ई एच आई के ओ और एक्स का जल प्रतिबिंब समान होता है, यानी कि जितने भी लेटर ये हैं आप जल प्रतिबिंब देखेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही दिखाई देगा, कोई भी बदलाव नहीं रहेगा, जो कि समान होता है। कुछ वर्णों और आकृतियों के जल प्रतिबिंब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिखा है, आप इस तरफ से जो कि आप ये वर्ड है ये आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे ये तो उल्टा दिखाई देगा। एफ ये है तो एफ इस तरह से दिखाई देगा, जे क्योंकि जे इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा जल में, एम पर एम इस तरह से बनेगा, एन एन जो कि इस तरह से जल प्रतिबिंब है ये वर्ड है, क्योंकि पी इस तरह से लेटर बना हुआ है आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, आर इस तरह से आप जल प्रतिबिंब में इस तरह से दिखाई देगा, एस जो कि एस इस तरफ दिखाई देगा, जो कि टी है आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे टी इस तरफ से दिखाई देगा, यू ये वर्ड है तो यू इस तरह से दिखाई देगा जो कि जल प्रतिबिंब है, वी वी इस तरफ दिखाई देगा, डब्लू आपको डब्लू उल्टा देखेंगे जल प्रतिबिंब में तो इस तरफ से दिखाई देगा, वाई क्योंकि वाई इस तरह से दिखाई देगा, जेड जो कि जेड इस टाइप से दिखाई देगा। तो आप चित्र को देखेंगे ये वर्ड है जो कि ये वर्ड है जल प्रतिबिंब चित्र है, या चित्र जो है इस टाइप का रहेगा, आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस तरह का आपको चित्र दिखाई देगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा और ये चित्र इस टाइप का आपको दिखाई देगा। तो आप जल में देखेंगे तो ये चित्र इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि चित्र है जो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह की भी चित्र देख सकते हैं, जब ऐसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन ये बनेगा चित्र, यानी कि जो ये नीचे टाइप बना है यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा, और इस चित्र में यहाँ पर जो नीचे टाइप बना हुआ है यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। इस चित्र में भी जो त्रिभुज का जो निशान बना हुआ है इसमें जो ऊपर है यहाँ जल प्रतिबिंब में नीचे दिखाई देगा। अब आप टेन लिखेंगे इंग्लिश में तो आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो टेन है जो उल्टा दिखाई देगा, जो इस टाइप का दिखाई देगा।